आप सब मीडिया कर्मियों का हम शुक्रिया करते हैं कि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रघुनाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से पक्का बंद कर दिया, ये निर्माण की जा रही है कि जम्मू के अंदर जो मंदिर हैं उनके लिए भी सीट का गठन किया जाए। बहुत से मंदिर जो धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर हैं उनकी जमीन जो है गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही है और वो भी गैर हिंदुओं को दी जा रही है, कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर। इसलिए श्री रघुनाथ मंदिर सेवा समिति यूटी गवर्नमेंट हॉनरेबल गवर्नर साहब से ये मांग कर रही है कि सिर्फ आपने सिर्फ कश्मीर के मंदिरों के लिए बिठाई है, कृपा करके जो जम्मू के अंदर मंदिर है ये सीट नहीं, हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। आज दिन तक जितने भी मंदिरों की जमीनें जिन लोगों ने बेची हैं गैर हिंदुओं को और जहां चाहे बाकी कुछ लोगों को बेची हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये अंडर हैंड डील हुई है, जो पैसा है गलत तरीके से अपने आप इन्होंने बांटा है और ट्रस्ट के अंदर एक भी पैसा जमा नहीं हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के जिम्मे ये धर्मार्थ ट्रस्ट के मंदिरों के डेवलपमेंट विकास की बात आती थी या जिन्होंने करनी थी उन्होंने इन मंदिरों को निकारा है, इनकी डेवलपमेंट को बिल्कुल रोका है, खत्म किया है। आज मंदिरों की ये दुर्दशा है मैं बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये उत्तरकाशी जो महाराज रणवीर सिंह ने एक सपना सजाया था कि प्रमंडल हमारी जो उत्तरकाशी से नाम से विकसित करेंगे, ये उन मंदिरों की हाल है। 1200 साल पुराना इतिहास है इन मंदिरों का और जिन लोगों ने इनका विकास करना था, इनकी डेवलपमेंट करनी थी वो आज मंदिर खस्ता हालत में गिरने की कगार पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रस्टी यहां बनाए हुए है कि फैमिली का राज यहां धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर चलता है, जबकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और ये पब्लिक ट्रस्ट है और ये एक फैमिली ट्रस्ट बनकर रह गया। आज हालत यह है कि धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है